सबका स्वागत है अनिकास किचन में। आज हम लोग बनाने वाले हैं टमाटर की मीठी चटनी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, बहुत थोड़ा सा। और ये हैं कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, कलौंजी, खड़ा जीरा, खड़ी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और ये सौंफ, ये सब इसमें हम एक साथ ही डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे हम तेज़पत्ता और फिर ये सारे खड़े मसाले थोड़ा सा भून लेंगे और अब डाल देंगे कटे हुए लाल टमाटर। थोड़ा सा नमक डाल करके उसको ढक देंगे पकने के लिए। ये देखिए बहुत थोड़ा सा है। ढक देंगे अब हम लोग इसको, फ्लेम को थोड़ा सा लो पे करेंगे और पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चला के देखेंगे कि ये गल गया है कि नहीं। थोड़ा और अभी ये पकेगा, ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे किशमिश। ये देखिए ये किशमिश डालेंगे हम लोग और अब इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना मीठा आपको पसंद हो उतना आप गुड़ डाल लीजिएगा। और अब इसको फुल फ्लेम पे कर देंगे ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए और गुड़ भी अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए टमाटर की चटनी बन गई है, अब इसको हम लोग सर्व कर लेंगे। ये कुछ कटे हुए बादाम हैं, इससे मैं गार्निश करूंगी इसको। टमाटर की मीठी चटनी बनके तैयार है। आप लोग भी ऐसे ही बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इस रेसिपी को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।